हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एकोनाइट के बारे में, इसको हम किस बीमारी में और किस पोटेंसी में और किस ड्यूरेशन में यूज कर सकते हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, इसका पहला सिम्टम है, अगर जो है मौसम बहुत ठंडा है और इतना ठंडा है कि एकदम कोल्ड हो गया है, तो ऐसे में कोई परेशानी अगर आपको सर्दी खांसी बुखार हो तो आप जो है एकोनाइट 30 चाचा गोली दो दो तीन तीन घंटा पर लगातार ले लीजिए। आपकी जो है अगर सर्दी ठंड से हुई है ड्यू टू कोल्ड, आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि आपको कोई भी बीमारी हो, अगर वो बीमारी अचानक हो गई है तो सडन ऑनसेट याद रखिए आप, तो आप एकोनाइट 30 जो है चाचा गोली अपने तकलीफ के अनुसार ले लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, हमने पहले ही बोल दिया है, अगर आपको जो है सर्दी के साथ फीवर है, सर्दी लगी है उसके साथ में फीवर है और फीवर के साथ में खांसी आ रही है और खांसी के साथ में आपको चेस्ट में दर्द है और माथे में दर्द है, इसके अलावा छटपटी, बेचैनी, मृत्यु भय, छटपटाहट, बेचैनी, पेशेंट बोलता है कि अब हम मर जाएंगे, तो पेशेंट के अंदर ये फीलिंग होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पेशेंट को तकलीफ होगी, वहाँ बैठना पड़ेगा, तो आप डॉक्टर के पास जाइए आराम से, लेकिन पेशेंट को एकोनाइट 30 चाचर गोली आप जो है इसको एक एक घंटा पर दो दो घंटा पर लगातार देते रहिए, जब तक कि पेशेंट की सर्दी खांसी बुखार नहीं ठीक हो जाएगा, पेशेंट की सारी प्रॉब्लम आराम हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हनीमान, अगर आप एकोनाइट 30 दे रहे हैं और आपको लगता है उतना आराम नहीं मिल रहा है तो आप सल्फर 30 की दो डोज दे दीजिए, उसके बाद फिर एकोनाइट दीजिए, क्योंकि एकोनाइट के बाद में सल्फर जो है बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, डर जाने की वजह से, अगर जो है कोई पेशेंट डर गया है ड्यू टू फ्राइट, अगर डर जाने से आपका डायरिया हो गया है, डिसेंट्री हो गया है, फीवर हो गया है, कादरा हो गया है, मेंसेज बंद हो गया है, अगर डर जाने की वजह से इसे प्रॉब्लम हो गई है तो आप एकोनाइट 30 दिन में 3 बार करके लीजिए। अगर एकोनाइट 30 से काम नहीं हो रहा है तो एकोनाइट 200 चार गोली सुबह शाम लगातार लीजिए, आपकी ये सब प्रॉब्लम जो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है मेंटल पर, और मेंटल पर बहुत ही यूनिक सिम्टम है और बहुत ही गोल्डन सिम्टम है, इसमें ऐसा डर होता है कि डर की वजह से पेशेंट जो है घर से बाहर नहीं निकलता, घर के अंदर रहता है, इसके अलावा जहां भीड़ रहती है नहीं जाना चाहता, पेशेंट स्टेज पर जा नहीं सकता, इसको बोलते हैं सोशल एंजाइटी। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो पेशेंट को जो है एकोनाइट 30 चाचा गोली दिन में 3 बार लगातार दे दीजिए, मेंटल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, वो घर से बाहर निकलने लगेगा और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में बड़े आराम से घूमकर टहलेगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है अस्थमा पर, दमा पर, इसमें क्या होता है कि दमा में सांस में आपको थोड़ा खिंचाव रहता है, आपको मालूम है कि हमारा था सांस में खिंचाव हो रही है, एकोनाइट 2x या 3x थोड़े पानी के साथ में आप जो है आधे आधे घंटे पर लेते रहिए, अब जब आराम हो जाए तब 2 घंटे पर कर दीजिए। तो अगर सांस की शिकायत है, दमा की शिकायत है, वो भी स्टार्टिंग में है, पहली स्टेज में है, एकोनाइट 2x से लगातार देने से आराम हो जाएगा, उसके बाद बंद कर दीजिए। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है कि बच्चा इसमें हमेशा रोया करता है, सोने का नाम नहीं लेता है, सोना नहीं जाता है, बेचैन रहता है, आप परेशान हो गए कि इसको क्या दवाई दे, तो इसकी दवाई तो कैबेमिला तो है ही है, लेकिन अगर आपके पास कैबेमिला नहीं है तो कैबेमिला देने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे सिम्टम में आप जो है बच्चे को एकोनाइट 30 की एक एक गोली करके दिन में 3 बार 4 बार करके दे दीजिए, बच्चे का रोना बंद हो जाएगा, बच्चे को नींद अच्छी आने लगेगी और बच्चे का बेचैनी कम हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है क्लाइमेट पर, अगर जो है दिन में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और रात में ठंडी पड़ती है, ये मौसम अक्सर मई जून के महीना में भी होता है और अक्टूबर नवंबर के महीना में भी होता है, तो बीमारी कोई भी हो आप एकोनाइट 30 चाचा गोली करके दिन में 3 बार दो दो घंटे पर तीन तीन घंटे पर लगातार ले लीजिए, आपकी इस मौसम से कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी प्रॉब्लम एकोनाइट से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है यूरिन पर, यूरिन का सिम्टम देखकर आप जो है एकोनाइट 30 घर में हमेशा आप अपने पास रखने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि इसमें यूरिन जो है बंद हो जाता है, रोगी जो है छटपटाए करता है, रोगी चिल्ला कर रोता है, इतना दर्द होता है कि सारी उसकी हेकड़ी खत्म हो जाती है, पेनिस जो है यूरिन से भर जाता है, पेनिस फूल जाता है, पेनिस को हाथ से पकड़कर ऐसे ऐसे दबाता है जिससे पेशाब निकले और पेशाब जो है बूंद बूंद करके निकलता है, ऐसा सिम्टम जो है बहुत सारे मेडिसिन में है, लेकिन इसकी एकोनाइट मेन दवाई है, ऐसे प्रॉब्लम में आपको 30 देने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम में आप जो है 15 मिनट पर एकोनाइट 3x या 2x पानी के साथ में देते रहिए, जब तक उसका पेशाब पूरा निकल नहीं जाएगा आपको कैथेटर लगाने की जरूरत नहीं है, पेशाब बंद होने में रामबाण काम करती है और सिम्टम ये भी मिलना चाहिए, पेशेंट को आराम हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है स्टमक पर, पेट पर, इसमें क्या होता है कि पेट में आपके जलन होती है, बर्निंग इन द स्टमक, चाहे खाली पेट रहें
तब भी दर्द रहेगा, चाहे कुछ खा लें तब भी दर्द रहेगा। पेट में अगर जलन है और नहीं ठीक हो रही है, आप कितना भी पानी पी रहे हैं, डाय पी रहे हैं, ग्लूकोज पानी पी रहे हैं, लेकिन पेट में जलन बनी है, तो डिजीज कोई भी हो, आप एकोनाइट 30 चाचा गोली दिन में 3 बार 4 बार लगातार कुछ दे लीजिए, आपकी पेट की जलन जो है एकदम से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है बाएं हाथ का दर्द। इसमें बाएं हाथ का दर्द एक किसी भी कारण से होता है, यहाँ तक कि फ्रोजन शोल्डर के कारण भी हो सकता है। तो अगर बाएं हाथ का दर्द नीचे की तरफ आ रहा है, मैंने पहले बाएं हाथ में दर्द हुआ जॉइंट में और उसका दर्द आस्ते आस्ते एल्बो जॉइंट में आ गया, तो अगर दर्द आपका ऊपर से नीचे आ रहा है तो आप जो है एकोनाइट 30 चार चार गोली दिन में 3 बार लगातार दे दीजिए। एग्जैक्ट यही सिम्टम आपको कालमिया में है, तो आप कालमिया मदर टिंचर भी इसके साथ में दे सकते हैं, आपका जो है बाएं हाथ का दर्द जो नीचे उतरता है एकदम से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है अगर हम सांस लेते हैं, सांस अगर जोर से लेते हैं माने ऐसे टांगते हैं तो हमारे चेस्ट में दर्द होता है, तो इसके लिए आपको ब्राउनियाँ लेने की ज़रूरत है। अगर हम सांस जोर से टांगते हैं और हमारे पीठ में दर्द हो रहा है तो इसके लिए आपको एकोनाइट 30 चार चार गोली दिन में 3 बार लगातार लेने से आपका पीठ में दर्द ठीक हो जाएगा। अगर एक हफ्ता तक आपका पीठ में दर्द नहीं ठीक हो रहा है तो आप एकोनाइट 200 चार गोली सुबह शाम कुछ दिन ले लीजिए, आपका पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि एकाएक धूप लगना। अगर आप गर्मी के महीने में कहीं गए हैं और थोड़ा धूप लग गया है, आपको शरीर में बेचैनी हो गई है और माथे में दर्द हो गया है, तो आपको बेलाडोना और ग्लूकोनाइड लेने की जरूरत है। धूप का असर अगर हल्का है तो आप एकोनाइट 30 आराम से ले सकते हैं, इससे धूप का असर जो है ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का एकोनाइट का आखिरी सिम्टम है कि ये शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है, गोली में जितना बार चाहें अपने पोजीशन के अनुसार ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आज मैं एकोनाइट पार्ट 1 के बारे में बताया, इसका जो है निचोड़ में बता दे रहा हूँ एकोनाइट का। इसका सबसे बड़ा गोल्डन सिम्टम है फ्राइट। अगर आपको डर से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, तो आप जो है एकोनाइट 30 गोली में या एकोनाइट 200 गोली में आप ले लीजिए, फ्राइट से जो तकलीफ है बीमारी हुई है वो ठीक हो जाएगी। और इसका दूसरा गोल्डन सिम्टम है, इसकी जो बीमारी जो है तूफान की तरह अचानक आएगी। और इसका तीसरा सिम्टम है मृत्यु भय। पेशेंट को ऐसा रहता है कि अब हम बचेंगे नहीं, अब हम मर जाएंगे, मृत्यु भय। ये 3 सिम्टम मिलना जरूरी है। आप एकोनाइट 30 गोली में 3 बार या 200 गोली में 2 बार सुबह शाम लगातार लेने से सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एकोनाइट पार्ट 1 के बारे में बताया। अगर आप हमसे कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आशा है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार, हमारा अगला वीडियो होगा एकोनाइट पार्ट 2 के विषय में।